डेंजर बीमारी से जूझ रहे सिंघम अगेन के डेंजर लंका, पहले किया सिंगल होने का दावा, फिर किया गंभीर बीमारी का खुलासा। आखिर क्या है वो डिसऑर्डर जिसने बढ़ाई है इश्कजादे अर्जुन की चिंता। जी हाँ, सिंघम अगेन में विलेन का रोल निभाकर फिर से सक्सेस का स्वाद चखने वाले अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में अर्जुन ने बड़ा खुलासा करके सभी को चौंका दिया था कि मलाइका से ब्रेकअप के बाद उनकी पर्सनल लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। लंबे वक्त से वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन और हाशिमोटो डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। अर्जुन ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो हाशिमोटो नाम के डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए अर्जुन कपूर ने कहा, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने कभी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन मुझे हाशिमोटो एक ऑटोइम्यून बीमारी थी जो थायराइड को नुकसान पहुँचाती है। अभी इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे माइंड को लग रहा है कि मैं किसी खतरे में हूँ, तो मेरा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब से अर्जुन ने हाशिमोटो नाम की बीमारी का जिक्र किया है, तब से तमाम लोग इस डिजीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। हाशिमोटो एक ऐसा नाम है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि हाशिमोटो डिजीज क्या है और इस बीमारी से सेहत किस तरह से प्रभावित होती है। क्या है हाशिमोटो डिसऑर्डर? बता दें कि हाशिमोटो एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन शरीर की जरूरत से कम बनने लगता है और शरीर के कई हिस्सों पर बुरा असर देखने को मिलता है। हाशिमोटो डिजीज की वजह से थकान, वेट गेन और कब्ज जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ये बीमारी मेटाबॉलिज्म, ब्रेन, हार्ट और ब्लड प्रेशर को बुरी तरह से इफेक्ट करता है। बॉडी वेट भी बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर इससे कई ऐसी कंडीशन बन सकती है जिससे कई अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। गौरतलब है कि अर्जुन कपूर उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो अक्सर अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक अर्जुन कपूर अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार ट्रोमा से गुजरे हैं, चाहे वो बचपन में पेरेंट्स का डाइवोर्स हो या फिर मोटापे से मिला स्ट्रेस। इतना ही नहीं, लगातार कई फिल्में फ्लॉप होना भी अर्जुन की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने का एक मेन रीजन रहा है। हालांकि अर्जुन के जिंदगी में मलाइका खुशियों की बहार लेकर आई थी। लगभग 5 साल रिलेशन में रहे मलाइका अर्जुन एक दूसरे को अपनी ताकत बताते थे। कई बार अर्जुन मलाइका को प्रोटेक्ट करते भी दिखाई देते थे। हालांकि इनके प्यार भरे रिश्ते को ब्रेकअप की नजर लग गई। बीते साल से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि इनका रिश्ता बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन दोनों ने इन खबरों पर चुप्पी साधे रखी थी। हालांकि सिंघम अगेन के प्रमोशन के दौरान अर्जुन ने पहली बार कबूल किया कि वो अब सिंगल हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया कि अर्जुन और मलाइका के प्यार भरे रिश्ते का दी एंड हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।